फैंटेसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 16 फरवरी 2024 फ्राइडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स अभी है 104.35। अगर हम डेली चार्ट को देखेंगे तो 13 फरवरी को ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस स्विंग हाई था उसको ब्रेक किया फिर नीचे आ गया। दिस इज कॉल्ड द फॉल्स ब्रेकआउट, यानी इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि डॉलर इंडेक्स 106 से 106.50 की तरफ जाने वाले हैं, ये अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर चला जाता। लेकिन पिछले तीन दिनों में, या नॉट तीन दिन, पिछले दो दिनों में, आज का ये करंट जस्ट स्टार्ट ऑफ द एशियन मार्केट है, पिछले दो दिनों में 14 फरवरी एंड 15 फरवरी को प्राइस ने क्या बिहेव किया, दैट इज द मेन कंसर्न। मेन कंसर्न यही है कि आपका प्राइस दोबारा ये रेजिस्टेंस, जो स्विंग हाई या रेजिस्टेंस था, उसके नीचे आ गया। दैट मींस देयर बाय क्रिएटिंग सम कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन? वही कि ऊपर क्या जाऊं या ना जाऊं। सो अभी हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि डॉलर इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू मूव टुवर्ड्स 106.40, उस एक्सपेक्टेशन में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आया है। सो उसी हिसाब से हम मार्केट को देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी व्हाट नेक्स्ट में प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। बेसिकली क्लैरिटी इज मिसिंग। ना मैं अप्रिशिएट होने वाला हूं, ना मैं डेप्रिशिएट होने वाला हूं। बेस्ड ऑन दैट वन तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन और कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास कर सकते हैं। जीबीपी डॉलर में कल के दिन में एक बाई डिप्स हुआ आफ्टर आपका जीडीपी डेटा, यूके का जीडीपी डेटा के बाद ये कंसोलिडेट करके पुल बैक किया। अभी हमें वही दोबारा आ चुका है जो रेजिस्टेंस था, मींस इट्स एन इंपॉर्टेंट एरिया। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज एंड उसके हाई के ऊपर अगर मूव करते हैं इन सच केस जीबीपी डॉलर में मूव टुवर्ड्स 1.28 से 1.2850। अगर ये दोबारा स्विंग लो को टेस्ट करता है, सो यहाँ पे इमीडिएटली हमारा एक सपोर्ट लेवल है 1.25। सो यहाँ पे 25 के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकते हैं एंड इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे बिहेव करते हैं या आसपास नजदीक कैसे बिहेव करते हैं वो हमें देखना है। अगर हम डेली RSI को देखेंगे, इट इज टेकिंग सपोर्ट एट 40। सो नीचे की तरफ ये 1.25 से 1.26 कंसोलिडेशन जोन होने का हायर प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पर भी क्या है, कॉन्फ्यूशंस है, क्लैरिटी इज मिसिंग। सो ये क्या ऊपर तोड़ फोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा या दोबारा नीचे की तरफ आएगा, ये क्लियर अभी है नहीं। दैट बीइंग द केस, साइडवेज चॉपी बिहेवियर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपका GBP INR आफ्टर आपका यूके GDP डेटा, ये कंसोलिडेट करके ऊपर क्लोज दिया है एट 104.53। यहाँ पे वही है, सेम एनालिसिस, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है। अगर इसको नीचे आना है तो अभी हमारा जो सपोर्ट है ये हो गया 104.20। सेम एनालिसिस, RSI इज कंसोलिडेटिंग एंड ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40। सो दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हमें दोनों साइड को इंतजार करना है, मींस ये करेंसी पेयर ऊपर तोड़ता है या नीचे की तरफ आते हैं। टिल दैट टाइम क्लैरिटी आने तक यहाँ पे चॉपी वॉलेटाइल बिहेवियर एक्सपेक्टेड। यूरो डॉलर में भी कल परसों दो दिन एक अच्छा खासा, परसों यूरो जोन का GDP डेटा था, अच्छा खासा कंसोलिडेट किया, कल भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया। देयर भाई यहाँ पे एक पुल बैक करने का, मींस कंसोलिडेट करके अब मूव करने का एक प्रोबेबिलिटी। अभी ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्या क्या एनालिसिस है, इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस है 1.08 के आसपास, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चाहिए, बुलिश कैंडल चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है।
पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म होना है, देन उसके बाद उस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर आवरली बेसिस पे सस्टेन करना है, देन एंड ओनली देन यूरो में मूव हायर। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, हमें देखना है। यूरो आईएनआर सेम एनालिसिस, पिछले दो दिन में अच्छा खासा बाउंस बैक किया फ्रॉम द स्विंग लो, अभी इमीडिएटली हमारा ये रेजिस्टेंस को कैसे हैंडल करते हैं वो हमें देखना है। और एक इनिशियल साइन है डेली आरएसआई एट 40, क्या ये यहाँ पे रेंज शिफ्ट करके ऊपर जाएगा? यहाँ पे आरएसआई में अगर आरएसआई अगर डेली आरएसआई अगर 40 में सपोर्ट लेके ऊपर चले जाते हैं, इन सच केस दिस विल बी कंसीडर्ड एज ए रेंज शिफ्ट। इन दैट केस ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देना चाहिए। डॉलर येन में कल के कलर परसों दो दिन थोड़ा सा सेल ऑफ आया फ्रॉम एन हाई ऑफ 150.88 से नीचे के तरफ कल के दिन में 149.50 तक आया, करेंटली 150.08। तो यहाँ पे ऊपर लेवल पे थोड़ा सा मींस बीओजे को फॉलो कर रहा है, अभी भी हमें सेलिंग का नहीं आया। सेलिंग के लिए क्या चाहिए? इतना आपका अप मूव आ गया, ये आया, अभी हमें एक स्टेप का चाहिए अगर बड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग करना है तो। तो क्या ये होता है, इसका हमें इंतजार। येन आईएनआर पे सिमिलरली यहाँ पे आपका means consolidate कर रहा है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस को तोड़ना है अगर बढ़िया सा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना है तो। यहाँ पे एक इसके यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हमने खींच दिया है, तो प्राइस जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देता है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एंड उसके हाई के ऊपर फॉलो थ्रू, तब तक बाइंग के लिए इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डॉलर कैंडी वही 1.3350 एंड 1.3550 उसी के बीच में भरतनाट्यम कर रहे हैं, डांस नाचो नाच रहे हैं। सो व्हाट इसका क्या है, जब तक इसको कंसोलिडेट करने देते इस रेंज में, एक बार बाहर निकलने देते तभी जाके हमें एक फॉल ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट के बाद वेदर इट इज ए क्लियर कट ब्रेकआउट और ए फॉल्स ब्रेकआउट वो हमें देखना है। $0.6513 यहाँ पे बेस आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। बेस आउट करने से बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें डबल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना है, तब जाके हमें एक बढ़िया सा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। CNH 7.2120 ये कल के दिन में एक अच्छा खासा एक नीचे के तरफ चार्ट के हिसाब से दिख रहा है, बट अल्टीमेटली ये 7.20 के ऊपर है। सो ऑल्दो वी आर लुकिंग फॉर 7.25 एंड 7.29, लेकिन PBOC इतना आसानी से जाने नहीं दे रहा है। नेक्स्ट इज योर ब्रेंट क्रूड 83.07। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस था 81.3050, इसको ब्रेकआउट किया था ऊपर में 84.25-30 में रेस्पेक्ट किया, नीचे के तरफ आया, फिर ऊपर जाके यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। दैट बीइंग द केस अभी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट जोन है, नीचे के तरफ 76.50 ऊपर के तरफ 84.50, ये दोनों रेंज के बीच में क्रूड ऑयल खेल रहे हैं। सो इसको क्लियर होना है इस जोन से, तब जाके कुछ हम बढ़िया सा मोमेंटम के लिए आशा कर सकते हैं। अभी आते हैं 10 ईयर ट्रेजरी अभी 4.25, ये देखिए ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को तोड़ा, नीचे आया, सपोर्ट लिया एंड ऊपर जाने का प्रयास कर। अगर आने वाले दिनों में आज या मंडे ट्यूसडे को आपका ये जो 14 फरवरी का हाई है इसको अगर ऊपर के तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो काफी प्रेशर आने का संभावना है। टू ईयर ट्रेजरी सिमिलरली रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया,
फिर ऐसे पुल बैक किया, ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आके सपोर्ट ले रहे हैं। ये बेसिकली अपवर्ड मोमेंटम का इंडिकेशन है। ब्रेकआउट करना, पुल बैक करके सपोर्ट में, सपोर्ट लेके फिर वापस जाना, दो दो बार ले रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यूएस तो या ट्रेजरी में भी थोड़ा सा बुलिश कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं। नाउ कमिंग टू डॉलर रुपी, डॉलर रुपी में नथिंग न्यू। बेसिकली डॉलर रुपी ट्रेडर्स को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। हाँ, आप बोलोगे नहीं हमें तो इंट्राडे में अच्छा मौका मिल रहा है, 2, 5, 10 पैसे में इंट्राडे में मूव हो रहे हैं, लेकिन बड़ा मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए बड़े ट्रेडर्स मीन्स बड़े बड़े ट्रेडिंग पोजिशंस बनाते हैं। सो दैट बीइंग द केस, डॉलर रुपी ट्रेडर्स के लिए ये हॉलीडे सीजन है। मीन्स जो बड़े मीन्स पोजिशन मोमेंटम ट्रेडिंग करते, बड़े बड़े लेवल के लिए पोजिशन इनिशिएट करते, उनके लिए ये हॉलीडे सीजन है। जब तक ऊपर या नीचे की तरफ क्लैरिटी नहीं मिलते तब तक, बट एक ही इंडिकेशन से, ये इंडिकेशन क्या है, ग्रेजुअली हाइज आर कमिंग डाउन वेयर एज लोज रिमेन सेम 80 to 80 से 83.00। सो व्हाट इट मींस, इट मींस हमें इंतजार करना है बेसिकली क्या कौन सा डायरेक्शन में जाते हैं। हालांकि एक थ्योरी है कि कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बन रहे हैं, सो इंडिकेशन नीचे की तरफ है। ये नीचे की तरफ का जब तक इनविजिबल हैंड्स लोअर लेवल पे सपोर्ट बंद नहीं करते हैं, तब तक 82.00 या 82.50 का लेवल थोड़ा सा मुश्किल है। अगेन वन सेकेंड, अगर ये हो गया एक, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला ये कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। दैट बीइंग द केस, ये अगर रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, इन सच केस 83.30 से 83.50 का जो जोन है वहां पे फिर डंडा लेके बैठे हुए। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए among your friends. Thank you and have a great day. Bye bye.